મહત્વના સમાચાર એઆઈએમઆઈએમ ના અધ્યક્ષ અસદુદ્દીન ઓવૈસી પહોંચી ગયા છે સુરત એરપોર્ટ ખાતે। सूरत एरपोर्ट पर पहुंची गया है ओवैसी, जहां स्वागत करतीकाले भरूच में ओवैसी की जनसभा आयोजन कर तो अमदावाद में आती काले रोड शो नु आयोजन करायु। दृश्य आप जो सको सीधा सूरत एरपोर्ट थी कि ज्या ओवैसी स्वागत कर एआईएमआईएम कार्यकर्ताओं द्वारा ओवैसी ने आवकार। सूरत एरपोर्ट थी सीधु प्रसारण। और शाम में अहमदाबाद में भी हमारी एक पब्लिक मीटिंग है और हम पार्टी की तरफ से अहमदाबाद में म्यूनिसिपल इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी और हमारी उम्मीद होगी कि गुजरात की जनता हमको आशीर्वाद देगी, हमारे उनको अपनी मोहब्बतों से अपनी दुआओं से नवाजेगी। और हम पहली मरतबा आए हैं और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे गुजरात की जनता का दिल जीतने। सर, पूरे गुजरात में, पूरे गुजरात में अपनी एक नहीं उतारे, उसके पीछे की वजह क्या है? उसकी वजह सिंपल है कि पहली मरतबा लड़ रहे हैं, जाहिर है एक ही वक्त में हम हर जगह नहीं मुकाबला कर सकते। पहले ओरिजिनल मकसद ये है कि हमारी बीटीपी पार्टी के जिम्मेदारों से बात हुई थी कि हम भरूच को आएंगे और मेरे आने से पहले हमारे सांसद इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब आकर मुलाकात किए और उसमें तय पाया था कि हम आने वाले म्यूनसिपल चुनाव में हिस्सा लेंगे। अभी शुरुआत है, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। सर, भाजपा के लोग हमेशा कहते आते हैं कि एएम जहाँ जहाँ जाती है भाजपा को जिताने के लिए जाती है, इसके ऊपर क्या कहूँगी आप? मैंने पहले भी कहा कि मैं भारत की राजनीति की लैला हूँ, तो सबको अपना अपनी बात रखने का इख्तियार है। मैं गुजरात नहीं लड़ा और इसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस हारती है, बीजेपी जीतती है। यहाँ पर पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं लड़े, तो फिर इसका ये आपके सवाल का जवाब यही है। थैंक यू। पहले गवाह दे दो, गवाह दे दो, वही लोग। जी, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आप हाल सांभळी रह्या हता एआईएमआईएम ना अध्यक्ष के जेओ सूरत एरपोर्ट खाते आवी पहोंच्या छे, ज्यां तेओनुं भव्य स्वागत करवामां आव्युं तेओना कार्यकर्ताओ द्वारा अने सीधा केटलाक सवालोने कापता पण ओवैसी हाल जोवा मळ्या। असदुद्दीन ओवैसी के जेमना आववाथी अथवा तो एम कही शकाय के जेमनो सीधो फायदो पण क्यांक ने क्यांक जो एआईएमआईएम जो उम्मेदवारों ने उभा राख्या होत तो एनो सीधो फायदो स्थानिक स्वराज्यनी चूंटणी में पण भाजप ने जवानो होय ए प्रकारनी अटकळो चाली रही हती। त्यारे हाल असदुद्दीन ओवैसी पहोंची गया छे सूरत अने ज्यां तेओनो भव्य स्वागत करवामां आव्युं छे। सूरत एरपोर्ट पर असदुद्दीन ओवैसी। तो आ तरफ ओवैसीए पण ए वात ने स्वीकारी छे के गुजरात में बीजेपी जीते छे अने कांग्रेस हारे छे, क्यांक ने क्यांक आ वात स्वीकारी पण कही शकाय अने एम पण कही शकाय के तेमणे एक संकेत आप्यो छे कांग्रेस ने के गुजरात में स्थानिक स्वराज्य में पण बीजेपी ज जीतशे। तो आज बाबते अमारा संवाददाता संजय महत जोड़ाई चुक्या छे फोन लाइन पर। जी संजय, ओवैसी आवी पहोंच्या छे सूरत, कया प्रकारनी तैयारीओ अने हवे आगळनो कार्यक्रम शुं रहेशे? ओवैसी पार्टी एआईएमआईएम ए गुजरातमां पगड़ो मांड्यो छे, छोटू वसावानो हाथ पकड़ीने एटले के छोटू वसावा साथे गठबंधन करीने तेओ गुजरातना राजकारणमां प्रवेश्या छे। ओवैसी आजे सूरत एरपोर्ट खाते आवी पहोंच्या हता अने त्यारबाद अहींथी तेओ भरूच जवा माटे रवाना थया छे। ओवैसीनुं स्वागत करवा माटे मोटी संख्या में तेमना समर्थकों सूरत एरपोर्ट पर नहीं परंतु सूरत एरपोर्ट की बाहर पर उभा है, एटले कही शकाय के लोकोनुं समर्थन ओवैसी ने है ये दृश्य जोईने लागी रह्युं छे। साथ साथ जयारे भरूच में जनसभा
संबोधन करते आज तेरे त्या जनमेदनी मोटी संख्या में उपस्थित है। बीजी बाजू अमदावादी बात करिए तो आती का अमदावाद में ओवैसी रोड शो करना है। ए सूरत प्रयाण कर चुका है, जमीन मार्गे तो भरूच जा रहा है। गुजरात पॉलिटिक्स की अंदर ओवैसी हमें विधिवत रीते एंट्री कर लीधी है, जनसभा संबोधवा भरूच तरफ प्रयाण कर चुका है। संजय, ओवैसी आवतानी साथे जे एक एवो अणसार पण आपी दीधो छे के बीजेपी कांग्रेस गुजरात में जीते छे अने कांग्रेस हारे छे, शुं कहेशो? ओवैसीए कह्युं छे के ओवैसी हजी तो गुजरात में आवी रह्या छे अने घणा वर्षो थी भारतीय जनता पार्टी गुजरात में तमाम इलेक्शन जीती रही है। एटले जे प्रमाणे प्रश्न पूछवा आव्यो हतो के ओवैसीने तो भाजपने जीताडवा आवता होय छे, परंतु तेमणे ए कह्युं छे के कांग्रेस वर्षो थी अहीं हारी रही छे, हवे त्रीजो पक्ष बनीने ओवैसी अने छोटू वसावा पण पोतानी राजनीति हवे गुजरात में आगळ वधारी रह्या छे। जी आभार संजय समग्र माहिती आपवा बदल। तो गुजरात में बीजेपी जीते छे अने कांग्रेस हारे छे, आ प्रकारनो अणसार ओवैसीए गुजरात में पग मुकतानी साथे ज आपी दीधो छे।